हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यू न्यूज में। गाइस, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर एक अज्ञात वाहन से एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद सलेमपुर पुलिस ने परिजनों के शिनाख्त के आधार पर शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस शव का पुलिस ने पंचनामा कराया था, वह व्यक्ति गांव के चौराहे पर चाय पीते मिला, जिसको देखकर सब हैरान हो गए। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब इसकी सूचना जिंदा व्यक्ति के परिवार वालों ने पुलिस को दी, तो आनन फानन में शव के पोस्टमार्टम रोक दिया गया। उसके बाद फिर से जांच शुरू की गई। दरअसल सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के घनौती रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, और जिसके बाद सलेमपुर पुलिस ने मृतक की पहचान उस परिजन के शिनाख्त के आधार पर पुलेसर के रूप में कर दी, जो मईल थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव का रहने वाला था। इधर जब पुलेसर की मौत की सूचना गांव पहुंची तो उसके घर में कोहराम मच गया और लोग अंतिम संस्कार में जुट गए। लेकिन कुछ घंटे बाद ही जब पुलेसर अपने गांव के चौराहे पर चाय पी रहा था, तो लोग हतप्रभ रह गए और उसकी मौत होने की बात बताई, जिसके बाद पुलेसर के लड़के को वीडियो कॉल के जरिए जिंदा होने की बात बताई गई। इसके बाद पूरा परिवार पोस्टमार्टम हाउस छोड़कर श्रीनगर गांव पहुंच गया और अंतिम संस्कार की तैयारियों को रोक दिया। वहीं इस मामले की जानकारी होने के बाद अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए और सड़क हादसे में मरे हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई। अब इस घटना पर देवरिया पुलिस के बड़े अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना